आज हम चद्दर और कॉटेज में अंतर देखेंगे। यह चीज उच्च पोषण वाली होती है और कॉटेज होती है ये कम पोषण वाली होती है, क्योंकि इसमें 100 ग्राम चीज से हमें 400 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इससे 100 ग्राम से केवल 98 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इस चीज को बनाने में जीवाणु का यूज किया जाता है, लेकिन कॉटेज को बनाने में जीवाणु का यूज नहीं किया जाता है। ये हार्ड हार्ड होती है, ये मुलायम होती है। हार्ड होने का कारण यह है कि इसमें दबाने की प्रक्रिया होती है, जबकि इसमें मुलायम होती है, इसमें दबाने की प्रक्रिया नहीं होती है। जैसे हमने पहले बता चुके हैं कि इसमें 100 ग्राम चद्दर चीज से हमें 400 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, इसमें 100 ग्राम कॉटेज चीज से हमें 98 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें पानी और छाछ का यू की मात्रा नहीं होती है, इसमें पानी और छाछ की मात्रा होती है। इसी कारण से यह सॉफ्ट होती है और दबाने की प्रक्रिया नहीं होने के कारण भी सॉफ्ट होती है। इसमें इसे बनाने में लंबी प्रोसेस होती है, क्योंकि इसमें कई प्रोसेस अलग से यूज की जाती हैं, जबकि इसमें ज़्यादा लंबी प्रोसेस नहीं है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का यूज नहीं होता है और इसमें कैल्शियम क्लोराइड का यूज होता है। सॉरी, इसमें कैल्शियम क्लोराइड का यूज नहीं होता है, इसमें कैल्शियम क्लोराइड का यूज होता है। इसी कारण से चद्दर चीज में कैल्शियम कमी पाई जाती है, जबकि इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसका उपयोग विश्व में सर्वाधिक पसंद की जाती है, यह कम पसंद की जाती है। इसी कारण से चद्दर का उत्पादन अधिक किया जाता है, जबकि इसका कम किया जाता है। पहले बता चुके हम इसमें दबाने की प्रक्रिया करते हैं, इसमें दबाने की प्रक्रिया नहीं करते हैं। इसमें क्यूरिंग करते हैं, क्योंकि क्यूरिंग एक सही विन्यास दे देती है, जबकि इसमें क्यूरिंग की क्रिया नहीं की जाती है। इसी कारण से यह ढीली ढीली होती है। इसमें स्वाद में मीठी होती है, कॉटेज की अपेक्षा यह है नमकीनी होती है। इसमें क्योंकि छाछ की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसकी भंडारण क्षमता अधिक होती है, इसकी भंडारण क्षमता कम होती है। इसमें सभी खनिजों की मात्रा अधिक पाई जाती है, लेकिन कैल्शियम को छोड़कर इसमें कैल्शियम की मात्रा कम पाई जाती है। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और हमको इस वीडियो के बारे में कमेंट करके बताएं कि अच्छी लगी या बुरी। और आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमको कमेंट करके बताएं।